जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस यानी आपका जोन एलोकेशन या मान लीजिए स्टेट प्रेफरेंस आप कह लीजिए उसको, कब तक होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। इसके अलावा उसके में मेडिकल कब होगा, क्योंकि मेडिकल सब में होता है आपको पता है। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लगभग कब तक आपको मिल जाएगी, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर इसको देखिएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अगर कोई अपडेट आती तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा मैं SSCGL 19 द्वारा एक्साइज इंस्पेक्टर यानी CGST इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्टेड हुआ हूँ। अब सर्वप्रथम बात करते हैं आपके थोड़े 2018 की बात कर लेता हूँ। पहले 2018 का जो जोन एलोकेशन या स्टेट प्रेफरेंस जो आया था, पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगा था, पूरे 4.5 महीने का, क्योंकि कोविड भी चल रहा था उस दौरान, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। तो 4.5 महीने का पूरा राउंड आराम से आपका टाइम लग गया था, और उसके बाद आपका जो है आपको स्टेट प्रेफरेंस दे दिया गया था कि आप किस स्टेट में आपकी लोकेशन रहेगी जॉब की, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात करूँ कि अब आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जॉन कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। क्योंकि स्टेट में क्या होता है, आप जिस स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए वो तो आपके लिए ऑलरेडी हो ही चुका है, अब आपको जॉन बता दिया जाए कि आप किस जॉन में जाने वाले हैं। तो जॉन प्रेफरेंस के लिए आपको कुछ दिन में आपको सब चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, जैसा कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका 13 मई को आया CHSL 2019 का, तो आपका अब जो प्रेफरेंस लिस्ट आएगा वो आपका आएगा 15 जून के आसपास। 15 जून से आपको 15 दिन ही 20 दिन मिलेंगे आपको, और एक ही अटैम्प्ट मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा 20 दिन मिलेंगे और एक ही अटैम्प्ट मिलेगा आपको भरने के लिए। अगर आप उसमें भर पाए तो ठीक, नहीं भर पाए तो आपको फिर प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से आपका एलोकेशन कर देंगे किस रीज कहाँ आपको जोन में भेजना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है आपका। दूसरा, आप उसके बाद का प्रोसेस कितने दिनों में होगा, तो उसका जो बाद का प्रोसेस है 2 महीने आपको मिनिमम लगेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 15 जून को आता है और 15 जून से मान के चलिए आपको 25 तक चलता है, 25-30 लास्ट तक चलता है, तो जून तक, तो फिर आपका जून के बाद आपको जुलाई अगस्त पूरा हो जाएगा, सितंबर मिड में आपका वहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी कि आप कहाँ कहाँ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आपका जो हो सकता है CMO के द्वारा आपको करवा दिया जाए, जो आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, कह दिया जाए कि एक उनसे आप असिस्ट करवा के लाइए, पूरा डिटेल लेके आइए, जो जो मेडिकल है उनके सामने करवाइए, उनकी मोहर लगा के आप उस सर्टिफिकेट को लेके आइए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि आपको जहाँ आपका पोस्टिंग हो वहीं आपको किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में आपको करवा लिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर अटेस्टेशन फॉर्म आता है जो जिसमें आपको अटेस्टेड करवानी होती है 2 गज स्टेट ऑफिसर से, तो वो आप किसी भी डिग्री कॉलेज के ऑफिसर से करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो तहसीलदार होते हैं उनसे भी आप उसको करवा सकते हैं, आसानी से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा इसमें कोई भी इशू नहीं आता है। तो अब बात कर लेते हैं आपको कि कितना टाइम लग जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग आते। देखिए आपका ये मान के चलिए मई से आप 7 महीने काउंट कर लीजिए, टोटल प्रोसेस जो होल प्रोसेस होता है वो 7th मंथ का होता है। 7th मंथ के अंदर आपको जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपके हाथ में 7th मंथ के अंदर ज्वाइनिंग होगी। सबसे जल्दी आपकी PASA की होती है ज्वाइनिंग, क्योंकि इसमें ये डिपार्टमेंट जो पोस्टल असिस्टेंट वाला डिपार्टमेंट वो जल्दी बुला लेता है, अदर देन जो मिनिस्ट्री के होते हैं थोड़ा उसमें आपका 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आपका अभी देखा हूँ थोड़ा सा आपका जो है चीज़ें आराम स्मूथली तेज़ी से चल रही हैं, तो इस बेस पर मैं ये मान सकता हूँ कि आपका PASA के लिए आपका 7 महीने के आसपास आपका ड्यूरेशन रहेगा, और जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस के लिए बात करूँ तो 9 से 10 महीने का आपका मिनिमम टाइम लग जाएगा टोटल कंप्लीट आपके प्रोसेस होते होते, ज्वाइनिंग लेटर मिलते, मेडिकल लेटर, ये सब चीज़ें आपका हो जाएगा। अब आपको कैसे आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, कि मेल द्वारा आएगा कि आपका बाई पोस्ट आएगा, देखिए दोनों तरीके से आएगा। कोई भी चांसेस आपको ऐसे आपके जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट आप चुने हैं वो नहीं देना चाहेगा, इसलिए वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपको मेल भी करेगा आपको, इसके अलावा आपके बाई पोस्ट भी भेजेगा। तो दोनों तरीके से आपको ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आप चाहे ऑनलाइन ले निकलवा लें उसको, या आप जाके आपको बाई पोस्ट आपको पोस्ट ऑफिस आपके घर पर दे जाएगा, ये भी पूरी चीज़ें होल प्रोसेस में आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी और भी जो चीज़ें अपडेट निकल आएगी, जैसे स्टेट जॉन प्रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए स्टेट जो आपको मिला है उसी बेस पे आपको सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जिस देखिए जितने आपके नंबर हैं वो आपको स्टेट पता चल जाएगा, उसके बाद आपकी चीज़ें नॉर्मल से आपको